आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कंपोजिशन स्कीम से रिलेटेड। अगर कोई भी डीलर कंपोजिशन स्कीम के अंदर आता है और वो कंपोजिशन स्कीम लेना चाहता है तो उसकी अकाउंटिंग हम टेलीप्रेम 4.1 में किस तरह से करेंगे, उसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन है जो आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर यह है कि उसका लिमिट जो है 1.5 करोड़ रुपया होना चाहिए, 1.5 करोड़ एग्रीगेट टर्नओवर होना चाहिए। उसके बाद मैन्युफैक्चरर्स हो या ट्रेडर्स कोई भी हो, टोटल वैल्यू पर उसको 1% टैक्स क्वार्टरली बेसिस पे जमा कराना पड़ेगा। रेस्टोरेंट है और नॉट सर्विस एल्कोहल है, सर्विस एल्कोहल का सर्विस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रेस्टोरेंट है, तो 5% आपको टोटल वैल्यू का क्वार्टरली बेसिस पे टैक्स जमा कराना पड़ेगा। सर्विस प्रोवाइडर है तो 6% टैक्स जमा कराना पड़ेगा। अब मैन्युफैक्चरर ऑफ ब्रिक्स यानी कि ईंटे का भट्ठा वगैरह जो होता है उसको 6% टैक्स जमा कराना पड़ेगा। इसमें आपको इंटर स्टेट सेल अलाउ नहीं है, आप स्टेट से बाहर सेल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद नॉट एलिजिबल टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन देयर परचेज, आपने जो भी परचेज किया है उस पर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि ITC क्लेम नहीं कर सकते हैं, आपको ITC नहीं मिलेगा। कंपोजिशन स्कीम बिजनेस कैन नॉट बी चार्ज GST सेपरेटली ऑन देयर इनवॉइस, अपने इनवॉइस पर आप अलग से GST चार्ज एप्लीकेबल नहीं, कैन नॉट बी मेंशन मतलब मेंशन ही नहीं कर सकते, चार्ज कर ही नहीं सकते हैं कंपोजिशन स्कीम के अंदर बिजनेसमैन जो हैं। दे आर रिक्वायर्ड मेंशन, इसके लिए आपको मेंशन करना पड़ेगा क्या अपने बिल पर, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, ये चीज़ आपको अपने बिल पे मेंशन करना पड़ेगा कि आप कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन हैं। उसके बाद कंपोजिशन स्कीम नीड टू फाइल क्वार्टरली GST रिटर्न कंपोजिशन 8। कंपोजिशन स्कीम अगर आप ले रखे हैं तो आपको कौन सा रिटर्न आपके लिए है, CMP 08, जो कि क्वार्टरली बेसिस पे आपको फाइल करना पड़ेगा। और उस क्वार्टरली बेसिस पे आपका लाइबिलिटी अगर आप इस तीनों में से या चारों में से किसी में आते हैं तो उस हिसाब से आपको उतना टैक्स जमा करना पड़ेगा, 1% इसमें, रेस्टोरेंट इसमें 5%, ये इसमें अगर आ रहे हैं तो 6%, और अगर इधर यहाँ है तो 6%। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्वार्टरली बेसिस पे। उसके बाद अगर एनुअल रिटर्न आप फाइल करेंगे GSTR 4 फाइल करना पड़ेगा। तो इन सारे पॉइंट को आपको ध्यान में रखना होगा, उसके बाद ही आप अकाउंटिंग करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं टेलीप्रेम 4.1 में, यहाँ से एक कंपनी क्रिएट करेंगे, ओके। और यहाँ पर हम कंपोजिशन स्कीम अकाउंटिंग कंपनी का नाम दे देते हैं, जो होगा आप दे दीजिएगा, यहाँ पर सिर्फ मैं डेमो पर्पस के लिए ले रहा हूँ। जो भी स्टेट होगा वो यहाँ फुलफिल कर लेंगे, यहाँ पे डिटेल जो भी होगा, मोबाइल नंबर, ये जो भी आपके पास होगा वो सब कुछ यहाँ पे फुलफिल करने के बाद इसे हम यहाँ से कर लेंगे सेव। जैसे ये सेव हो जाएगा आपके सामने ये डिटेल जो है कंपनी का कंपोजिशन स्कीम अकाउंटिंग का, इसमें कुछ फीचर्स जो हैं उसको आपको यहाँ पे देख लेना है, क्या सब आपको रिक्वायरमेंट है वो सब चीज़ आपको यहाँ पे ले लेना है। अगर इन्वेंट्री वाइज एंट्री करना चाहते हैं तो इसको यस रखेंगे, वरना इसे नो कर देंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पर ये सब कुछ ऐसे ही एज ए टीज रखने देना है। अब यहाँ आ जाना है, यहाँ पर जो स्टेट आपने कंपनी बनाते वक्त सेलेक्ट किया वो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पर आपको रेगुलर नहीं लेना है, यहाँ पे कंपोजिशन का ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप कंपोजिशन सिलेक्ट करेंगे यहाँ नीचे आ जाइए, देख लीजिए टैक्स रेट फॉर टैक्सेबल टर्नओवर, यहाँ आपको ये सिलेक्ट करना है। इससे पहले आपको देख लेना है कि आप इसमें से जिसमें आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग में आते हैं तो 1%, रेस्टोरेंट में आते हैं 5%, सर्विस प्रोवाइडर में 6%, या ब्रिक में आते हैं तो 6%, जिसमें आते हैं वो परसेंट आप यहाँ पे फिक्स कर देंगे। तो मान के चलिए अभी मैंने मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडर्स में लिया है तो 1% लिया है, और यहाँ पे आपको GST नंबर मेंशन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको टैक्सेबल या एग्जेम्प्टेड या नॉन रिलेटेड जो भी है वो देख लेंगे, अगर टैक्सेबल वैल्यू है तो टैक्सेबल वैल्यू लेना है। यहाँ EVA बिल वगैरह अप्लीकेबल है तो यस रखेंगे, नहीं तो इसे नो करके आप इसे कर लेंगे सेव। बाकी सब कुछ इस तरह से रहने देंगे और इसे हम कंट्रोल इसे कर लेंगे सेव। ये आपका पूरी तरह से कंपनी क्रिएट हो चुका है। अब हम सबसे पहले इसमें लेजर क्रिएट करेंगे।
लेजर क्रिएट करेंगे, मान के चलिए एक्स वाई जेड, मेरा एक सप्लायर है जिससे मुझे माल परचेज करना है, दे दिया इसे, यहाँ पर दे दिया मैंने सिंडी क्रेडिटर्स, ये सब सब कुछ यहाँ पे इसका डिटेल फुलफिल कर देंगे, पिन कोड वगैरह दे देंगे, और यहाँ पे अगर रेगुलर है या ओ बी कंपोजिशन है जो भी है वो आप यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ सो मोर ऑप्शन पे जाने के बाद बहुत सारा डिटेल है, इसमें से जो भी रजिस्ट्रेशन टाइप होगा वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे पार्टी का जीएसटी नंबर दे देंगे और प्लेस ऑफ सप्लाई जो भी होगा वो यहाँ पे दे देंगे। अगर एमएसएमई पर्सन है तो वहाँ यहाँ इसका डिटेल फुलफिल करके इसे हम सेव कर लेंगे। ठीक, अगर ए बी सी ट्रेडर्स ये मान के चलिए आउट ऑफ स्टेट है, मान के चलिए यहाँ पे दे दिया मैंने हरियाणा, तो वहाँ का पूरा डिटेल फुलफिल करके और यहाँ पर उसका रेगुलर और जीएसटी नंबर दे करके प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा ऑटोमेटिक ले लिया, और इसे भी यहाँ पर हम सेव कर देंगे। ओके, यहाँ पर मेरा क्रेडिटर का लेजर बन चुका है। अब मुझे यहाँ पे बनाना है क्या, गुड्स परचेज। मान के चलिए यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक लोकल गुड्स परचेज, एंटर करेंगे और यहाँ पे ले लिया परचेज अकाउंट। अगर आप इन्वेंट्री वाइज स्टॉक मेंटेन करेंगे तो यहाँ पर आप एज पर कंपनी ग्रुप रखेंगे, अगर इन्वेंट्री एंट्री नहीं करेंगे ओनली अकाउंटिंग करेंगे तो फिर आपको यहीं पे स्पेसिफाई डिटेल करके जितने परसेंट का आप माल परचेज कर रहे हैं वो यहीं पे आपको देना पड़ेगा। उनके चलिए 18% है तो 18% दे देंगे, गुड्स है तो गुड्स दे देंगे, और यहाँ पर हम इसे कर देंगे सेव। अगर सेंट्रल गुड्स परचेज है तो फिर यहाँ पर भी आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, और जो भी उसका परसेंटेज रेट रहेगा वो आप यहाँ देकर गुड दे करके सेव कर लेंगे। अब यहाँ पर दो चीज़ और, मान के चलिए मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम तो नहीं करना है लेकिन फिर भी उसका लेजर बनाना है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर हम मान के चलिए लिख देते हैं इनपुट IGST, और यहाँ पर एक ग्रुप बना लेंगे हम इनपुट का, ऐसे ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर रखेंगे और सेव कर लेंगे। और नहीं सॉरी, ये इनपुट जो है यहाँ पर हम जो बनाए हैं तो यहाँ तो मुझे क्लेम करना ही नहीं है, तो यहाँ पर हम इसे क्या करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर रखेंगे और सेव कर लेंगे। और फिर यहाँ से अब हम जैसे ही जाएंगे तो यहाँ आप देख लीजिए यहाँ पे टैक्स का कोई लेजर ही नहीं आया, जीएसटी या जीएसटी कुछ भी लगाएंगे उसका IGST कुछ भी लेजर ही नहीं आया। ये ऑप्शन को इनेबल करने के लिए आपको मोर डिटेल पे जाना है, और यहाँ पर आप देख लीजिए दिया हुआ है बिहेव एट ड्यूटी एंड टैक्सेज लेजर, इसको आपको कर लेना है यस, और यहाँ पे जीएसटी ले लेना है, और अगर आपको IGST यहाँ पर है तो IGST सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद इसे एंटर करके कर लेना है आपको सेव। ये देख लीजिए, और कंट्रोल इसे हम इसे कर लेंगे सेव। इसी तरह से आपको फिर क्या करना है, यहाँ पर इनपुट CGST, और फिर यहाँ पर भी आपको मोर डिटेल में चले जाना है, और सेम प्रोसेस यहाँ पर भी आपको करना है, यस करना है, GST में लेना है, और ये CGST दे करके आपको यहाँ पर इसे कंट्रोल इसे कर लेना है सेव। इस तरह से इनपुट SGST, फिर यहाँ पर आपको कर लेना है कंट्रोल आए और यहाँ आ जाना है, और इसको कर लेना है यस GST, और यहाँ CGST, और कंट्रोल इसे हम कर लेंगे सेव। और इस तरह से मेरा तीनों लेजर बन के रेडी हो गया। अब एक बनाना है मुझे सेल का, यहाँ पे गुड सेल करेंगे, कंपोजिशन गुड सेल या जो भी आपको बनाना है एक बना लेंगे, लोकल गुड सेल का एक लेजर हम यहाँ पे बना लेंगे। और इसे सेल अकाउंट के अंदर रखेंगे और इसे एज पर
कंपनी के हिसाब से रहने देंगे, यहाँ पे कुछ आपको करना ही नहीं है। और यहाँ पे गुड्स दे देना है और इसे कर लेना है यहाँ से। यहाँ तक का सारा काम मेरा हो चुका है। अब हम फिर से बैक चलते हैं, यहाँ पे अल्टर में आ जाते हैं। यहाँ पर जो मैंने बनाया है लोकल गुड्स सेल का, तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं एट द रेट 1% टैक्स। और यहाँ पर आपको अगर आप इन्वेंट्री वाइज एंट्री करते हैं तब तो स्पेसिफाई करने की ज़रूरत ही नहीं करते हैं, तो फिर आपको यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल करना पड़ेगा। ये पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। स्पेसिफाई डिटेल मान के यहाँ पे जो भी उसका HSN होगा वो दे दीजिएगा, और उसके बाद स्पेसिफाइड डिटेल टैक्सेबल। और यहाँ पर आपको क्या करना है, 1% टैक्स ले लेना है। और यहाँ पे गुड्स दे करके इसे कर लेना है सेव। अब हम यहाँ से चलते हैं वाउचर्स में। यहाँ पर हम आ जाएंगे, सबसे पहले परचेज की एंट्री करेंगे। जो भी सप्लायर का इनवॉइस नंबर रहेगा वो हम यहाँ पर ले लेंगे, और ABC ट्रेडर्स एंटर करेंगे। यहाँ पर मेरा सेंट्रल गुड्स है, तो यहाँ पर हम लेंगे जितने भी। अगर स्टॉक मेंटेन करेंगे तो फिर आपको यहाँ से कंट्रोल एच करके एटम इनवॉइस मोड में जाना होगा, फिर आप एटम सेलेक्ट करेंगे और बिल्कुल इसी तरह से एंट्री होगा, सेम प्रोसेस। और यहाँ पर हम आ जाएंगे, और अगर अकाउंटिंग इन्वॉइस मोड में करना है फिर इस मोड में आ जाना है। यहाँ पर आपको जो भी वैल्यू होगा वो हम यहाँ पर ले लेंगे, 45,000 रुपये का है। और यहाँ पर हम लगा देंगे इनपुट IGST, इसने कैलकुलेट कर लिया, टोटल वैल्यू यहाँ पर आ चुका है, और इसे हम कंट्रोल से कर देंगे सेव। फिर मान के चलिए दूसरा सप्लायर जो है FYZ, ये मेरा लोकल है सप्लायर, तो यहाँ पर हम लोकल गुड्स परचेज और ये जितने वैल्यू का है वो हम ले लेंगे। और यहाँ से इनपुट CGST और इनपुट SGST दे देंगे, और राउंड ऑफ करके इसे हम कंट्रोल से सेव कर लेंगे। इस तरह से ये आपका हो गया परचेज का एंट्री, ये आपका परचेज एंट्री यहाँ पर हो चुका है, लोकल गुड सेल और सेंट्रल गुड सेल दोनों का। अब यहाँ पर हम फिर वाचर्स में आ जाएंगे। अब मुझे अगर सेल का एंट्री करना है तो सेल की एंट्री के लिए यहाँ पर आप वाउचर टाइप भी बना सकते हैं एक अलग से, जिसमें ऑटोमेटिक सीरियल नंबर आपका आता रहे, तो यहाँ पे सीरियल नंबर दे देंगे। और सीरियल नंबर किस तरह से वाउचर टाइप बनाएंगे इसका वीडियो भी मैंने बना करके अपलोड किया है, आप वहाँ से जाकर देख लेंगे। मान के चलिए मुझे ये 2 तारीख में सेल करना है, 2 तारीख में सेल करना है, कैश में सेल कर रहे हैं तो हम लोकल गुड सेल ले लेंगे। और ये मान के चलिए मैंने 5,000 रुपये का सेल किया, तो यहाँ पर टोटल जो वैल्यू है वो आपको 5,000 रुपया लेना है। यहाँ पे जो ये आ रहा है आपका, यहाँ पे 5,000 नहीं देना है, यहाँ पर आपको ये 5,000 रुपया ले लेना है और सेव कर लेना है। ये देख लीजिए ऑटोमेटिकली टैक्स कैलकुलेट हो चुका है। टैक्स एनालिसिस नॉट इम्पैक्ट टैक्स एनालिसिस, आप यहां से नहीं देख सकते हैं, यहां पे आप सेव करेंगे तो किसी प्रकार का एरर भी नहीं आएगा कि आपने टैक्स यहां पे नहीं लिया है टैक्स लेजर, और सेव कर लेंगे। फिर मान के चलिए दूसरा एंट्री करके देखते हैं कैश में, और यहां पर ले लेते हैं लोकल गुड सेल, यहां पर 10,000 रुपया ले लेंगे और इसे हम यहाँ से कर लेंगे सेव। इस तरह से अगर किसी पार्टी का क्रेडिट में करना है तो फिर उसका लेजर बना करके फिर उसको हम पेमेंट लेंगे, उसके लिए उस पार्टी का लेजर यहाँ पे आप बनाना होगा। मान के चलिए कोई अमन नाम का कंज्यूमर है, कस्टमर है, तो उसने ये ले लिया है, यहाँ पे सब कुछ फिलफिल करके उसे हम यहाँ पे कंज्यूमर वाले में रखेंगे और कंट्रोल ऐसे कर लेंगे सेव। और यहाँ से उसको फिर उसने मान के चलिए 15,000 रुपये का लिया है, तो 15,000 रुपये का यहाँ पर हम एंट्री कर लेंगे।
बस सिंपल एंट्री आपको इसी तरह से इसका करना है। इसके बाद हम लोग आप चलते हैं रिपोर्ट में। यहाँ से डिस्प्ले में आएंगे, एसटीटी रिपोर्ट में आएंगे और जीएसटी रिपोर्ट में आएंगे। यहाँ पे देख लीजिए कंपोजिशन में ये आपको क्वार्टरली बेसिस पे आपको करना है। अब यहाँ से हम कंपोजिशन स्कीम इस पर एंटर कीजिए, ये देख लीजिए यहाँ पर इसने 300 रुपये का आपका जो है टैक्स बन रहा है जो कि आपको यहाँ पे देना है। अब यहाँ पर GSTR 4 देख लीजिए, यहाँ पर आपका जो भी आपने परचेज किया है वो यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है और जो भी आपका ये सेल किया है वो ऊपर दिखाई दे रहा है। फिर हम चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, यहाँ पे लाइबिलिटी में आ जाएंगे और यहाँ पर देख लीजिए आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट शो यहाँ पे नहीं हो रहा है। ये कहाँ पे होगा? आपका PL अकाउंट में, यहाँ पर ये आ चुका है जो भी आपने टैक्स कैलकुलेट किया है। क्योंकि आप ITC क्लेम कर ही नहीं सकते इसलिए ये आपका करंट लायबिलिटी में नहीं दिखेगा। इस तरह से हम कंपोजिशन स्कीम का बहुत ही आसानी से एंट्री कर सकते हैं।